धरना देना हो, पुलिस लाइन में प्रदर्शन करना हो या एसएसपी दफ्तर का घेराव करना हो, वो किसी भी कदम लेने के लिए संकोच नहीं करते हैं। लेकिन मुद्दा जनता का होना चाहिए। हमने एसएसपी को 1 बजे का समय दिया था, उन्होंने कहा था 1 बजे आओ। हम लोग अंदर 1 बजे गए थे तो वहाँ पर लोग और बैठे हुए, 10 बजे तक वेट किया है, हम आकर के बाहर बैठ गए। और यदि इस पर कार्रवाई 3-4 दिन में नहीं होती है तो पल्ली पार सब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर थाना घेरेगी या महापंचायत करके और उन गुंडों को सबक सिखाएगी। कठेरिया जी जनता के प्यारे, कठेरिया जी जनता के प्यारे, कठेरिया जी। आगरा में एयरपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस, आगरा की जनता के लिए पानी मुहैया करवाने की खातिर बैराज का निर्माण एवं महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति से भी इन्होंने मुलाकात की और जनता के समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। लोकसभा आगरा के सांसद के नाते आगरा लोकसभा की जनता की समस्याएं, विकास की खड़ी हुई सामने कुछ चुनौतियां, उनके समाधान की दिशा में सार्थक पहल का परिणाम सुखद है। कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान हुआ है। हम सब जानते हैं कि आगरा शहर एक नेशनल हाईवे 30 से निकलता है। इस नेशनल हाईवे पर एक लंबे समय से 20 साल से मांग हो रही थी कि इस पर 3 फ्लाईओवर बनाए जाए, जिस 3 फ्लाईओवर से कम से कम जनता को इससे मुक्ति मिल सके। मित्रों, लेकिन पिछले जो 5 साल तक हमारी सरकार नहीं थी, हम लड़ते रहे, लेकिन हमारी सरकार न होने के कारण ये कांग्रेस की सरकार ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि वो 3 फ्लाईओवर बनाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारी नितिन गडकरी जी ने 2 साल पहले उस काम की शुरुआत की। मित्रों, हमारे रमन शंकर कठेरिया जी ने आगरा में टूरिज्म के लिए बहुत काम किए हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए भी और यहाँ पर और सुविधा देने के लिए गंगा जल स्मार्ट सिटी के लिए बड़े तेज़ी से काम करवाया जा रहा है। आगरे के अंदर में आगरे के सांसद प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया जी ने पर्यटन के लिए जो कुछ भी किया है, मुझे याद नहीं आता कि अभी तक पिछले जो भी सांसद आगरा के अंदर रहे हैं उन्होंने इतना कुछ किया। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, सिविल इनक्लेव की बात हमारी पुरानी मांग थी, क्योंकि आगरा का एयरपोर्ट जो है वो डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर होने के कारण यहाँ पे फ्लाइट को आने में और जाने के अंदर परेशानी थी। उस परेशानी को हमने काफ़ी लंबे समय से मांग करते चले आए थे, लेकिन उस कठिनाई को, उस परेशानी को सांसद जी ने समझा और उसके बाद में एक मुहिम और चैलेंज के तौर पर उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो दिन आ गया जिसके अंदर में कि आगरे के अंदर में सिविल एनक्लेव के लिए ज़मीन का जो अधिकरण होना था वो अधिकरण उन्होंने अपने जो है मेहनत से उसको पूरा करवाया है। ज़मीन पूरी अधिकृत हो चुकी है। बैराज की मांग आज की नहीं, हमारी 30 साल पुरानी मांग थी। डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि बैराज अपस्ट्रीम में बनेगा कि डाउनस्ट्रीम में बनेगा, कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी बैराज की बात होती थी, कभी बीयर की बात होती थी, लेकिन उनके प्रयासों से अब ये निश्चित हो गया है कि आगरे के अंदर बैराज की स्थापना होगी, डाउनस्ट्रीम के अंदर में होगी, जिससे कि ताजमहल के अंदर 12 महीने पानी बना रहेगा। पानी रहने से उसके अंदर में जल क्रीड़ा जो टूरिस्ट जो है उसका आनंद लेंगे। और इसके अलावा जो पानी नहीं होने की वजह से ताजमहल के अंदर जो गंदगी हो जाती थी, जो कीड़े मकोड़े पैदा होते थे, वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। आगरा में पानी पासपोर्ट एयरपोर्ट का काम कराया, बीजेपी ने खुश होकर इन्हें महासचिव बनाया। रामशंकर कठेरिया जी। आगरा की जनता सौभाग्यशाली है कि सिर्फ रामशंकर कठेरिया जी के अथक प्रयासों से ही आगरा में उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 25,000 करोड़ रुपया इस आगरा जनपद को मिला और निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। आगरा के विकास को ध्यान में रखते हुए
श्री राम शंकर जी कठेरिया ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बनी योजना को कार्यान्वित करवाया। वर्षों से विचाराधीन ताजमहल के पीछे यमुना पर बनने वाला बैराज स्वीकृत करवाया। आगरा शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंगा का पानी आगरा तक लाने की परियोजना आरंभ करवाई। ताज ग्रीन कॉरिडोर परियोजना पर कार्य आरंभ करवाया। मेहताब बाग जैसे कई उद्यानों का सौंदर्यीकरण करवाया। आगरा से इटावा के लिए रेल लाइन बिछवाई और एक नई ट्रेन शुरू करवाई। आगरा कैंट स्टेशन पर 44 सीढ़ियां लगवाई। आगरा से जुड़े हाईवेज पर मौजूद सभी व्यस्त चौराहों पर ओवरब्रिज बनवाने का काम शुरू करवाया। आगरा से दिल्ली, इटावा एवं बरेली के लिए 6 लेन हाईवे की स्वीकृति करवाई। दक्षिणी और उत्तरी बाईपास का निर्माण करवाया। आगरा शहर के आसपास के गांव में पानी की समस्या को देखते हुए हैंडपंप लगवाए। जिन गांव में बिजली नहीं है या कम आती है उन गांवों में सोलर लाइट्स लगवाई। एतमादपुर में रोडवेज का नया बस स्टैंड शुरू करवाया। इन सब के अलावा कई और योजनाओं को भी कार्यान्वित करने का काम शुरू किया गया। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। 2014 में जब दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का पार्टी ने मौका दिया, उस समय पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कुशल सुशासन गुजरात में हुआ उसकी चर्चा गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्गों में, पूरे देश में एक मोदी मोदी की लहर। जब लोकसभा का रिजल्ट आउट हुआ तो पूरे देश में जहां बीजेपी एक बहुमत, बड़े बहुमत के साथ 270 का नारा दिया था, 72 का नारा दिया था, उसको भी पार करते हुए बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीती। हम जैसे लोग भी आगरा से 3 लाख से अधिक मतों से वोटों से जीत करके लोकसभा में पहुंचे। कठेरिया जी जनता के प्यारे, कठेरिया जी, कठेरिया जी, कठेरिया जी जनता के प्यारे, कठेरिया जी। इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए। इन चुनाव में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी ने इन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे उच्च पद पर नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए इन्होंने पार्टी हित में अनेकों कार्य किए, जिन्हें देखते हुए प्रधानमंत्री ने सन 2015 में इन्हें अपनी मंत्रिमंडल में जगह दी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का दायित्व इनके कंधों पर डाला गया, जिसे इन्होंने बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए निभाया। हमारी कैबिनेट जो मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में जिस तरह की योजनाएं देश भर में चलाई, उन योजनाओं से पूरा देश एक सशक्त भारत की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा। आगरा के लिए उनका निरंतर चिंतन, आगरा के लिए एयरपोर्ट के लिए प्रयास हों या गंगा जल के प्रयास हों या स्मार्ट सिटी के प्रयास हों, निश्चित रूप से आने वाले समय में आगरा विश्व मैप पर जगह बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ताज कॉरिडोर की, जो कि मायावती ने जिस समय शुरू किया था वो बंद हो चुका था, उसकी हरियाली के लिए हम काफ़ी प्रयासरत थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हो चुके थे 2006 के अंदर में, लेकिन कोई भी सरकार उसको हरा भरा करने की कोशिश नहीं कर रही थी। सांसद जी के प्रयास से वो भी शुरू हुआ और अगर आप ताजमहल और किले के बीच का अगर वो दृश्य देखें, क्योंकि वो दोनों
दो दो वर्ल्ड हेरिटेज हैं, एक तरफ ताजमहल है तो एक तरफ किला है, उन दोनों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे हरियाली के, वो आपके प्रयासों से ही संभव हो सके हैं। रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी। पंजाब एवं झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा इन्हें इन दोनों राज्यों का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया और इस जिम्मेदारी को भी इन्होंने बखूबी निभाया। हरियाणा के बाद पंजाब में बीजेपी कह रही है कि वो अपना संगठन मजबूत करेगी। हमारे साथ पंजाब बीजेपी के इंचार्ज रामशंकर कठेरिया, उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्लानिंग है बीजेपी की अगले दिनों में? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ी हो। रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी। आगरा लोकसभा के जनप्रिय नेता, संघर्षशील युवा दलों की धड़कन माननीय रामशंकर कठेरिया जी इस क्षेत्र के ऐसे सांसद हैं जो लोगों की, जनमानस की जो भी समस्या हो उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, कम शब्दों में गागर में सागर भर करके बात को समाप्त कर देते हैं, तथा विकास के क्षेत्र में इन्होंने आगरा के लिए इतना विकास किया है, आगरा ही नहीं आगरा से लगे हुए देहाती क्षेत्रों में भी उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। इनकी प्रतिभा का और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारतीय सरकार के चेयरमैन का पद जो कि केंद्रीय मंत्री के समकक्ष है, इन्हें सौंपा। वर्तमान में ये अपने इसी पद पर रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। लगभग डेढ़ साल से एससी कमीशन के चेयरमैन के नाते देश भर के जो दलित हैं उनकी समस्याओं की समाधान की दिशा में कमीशन काम कर रहा है। जो कमीशन को जो पावर मिले हैं उन पावर के आधार पर हम लोग जो डेवलपमेंट के इशू हैं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनको डेवलपमेंट की हिस्सेदारी मिले, और इसी के साथ साथ देश भर में सामाजिक तौर पर एट्रोसिटी की घटनाएं भी बड़ी संख्या में हैं। मैं आया था तो 40,000 केस पेंडिंग इस कमीशन में, इन सारे जो केस थे उनको गंभीरता से सुनने की शुरुआत की, और मुझे खुशी है कि इस कमीशन में चेयरमैन होने के नाते देश भर के बहुत सारे लोग जो जिनको न्याय नहीं मिलता है, जो अपने न्याय के लिए, जो अपने हकों की लड़ाई के लिए कमीशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और हम लोग उसी गंभीरता से उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले, इसके लिए निरंतरता में हम काम कर रहे हैं। और हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं एससी आयोग के अंदर तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर, लेकिन और जिस प्रकार से यहाँ रश रहता है उसी प्रकार से तेज़ी के साथ यहाँ पर केसों को सुनवाई की जाती है। कठेरिया सर जी का मैंने व्यवहार देखा है कि वो जितने भी यहाँ गरीब मजलूम लोग आते हैं यहाँ पर उनका तुरंत एक्शन टेकन के मूड में रहते हैं, वो तुरंत एक्शन लिया जाता है, अधिकारियों को भी वो तुरंत उनसे कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन दमदार रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी अमीर गरीब और किसी जाति के अंदर भेदभाव नहीं करते, किसी धर्म के अंदर भेदभाव नहीं करते। उनके घर पर, उनके निवास पर, उनके कार्यालय पर जो भी फरियादी आता है या कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को लेके आता है, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इसका काम कब करूं, कैसे करूं। मुझको तो ऐसा लगता है शायद वो सोते ही नहीं हैं, 24 घंटे जनता की भलाई का कार्य करते रहते हैं, जनता के लिए ही सोचते रहते हैं। गरीब की सेवा करना, मनुष्य की सेवा करना,
ये भगवान की सेवा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 में हुए चुनाव के दौरान अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया था। जनता पार्टी पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के संकल्प से और जनता के सहयोग और साथ से चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाएगी। इनकी और इनके कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। हमारे आगरा के सांसद प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया जी ने अपने कार्यकाल में उद्योगों के लिए कई प्रमुख कार्य किए, जिसमें आगरा का जो प्रमुख उद्योग जूता उद्योग है उसमें लगने वाले GST को 18 से 5 1000 रुपये तक के मूल्य तक कराया। इससे हमारे आगरा के उद्योगों को बहुत फायदा हुआ एवं आगरा में प्रमुखता से बनने वाले पंपिंग सेट और जेनरेटिंग सेट्स पर भी क्रमशः 12 और 18 कराया, जो पहले 28 था। इससे हमारे उद्योगों को बहुत फायदा मिला। यहाँ के उद्यमियों की बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग आगरा में सिविल टर्मिनल की, वह भी उन्होंने पूरी कराई और यहाँ पर उसका निर्माण प्रारंभ कराया है। और अभी अभी आगरा में TTZ के कारण से यहाँ लगे हुए बैन के बावजूद 156 तरह के उद्योग व्हाइट कैटेगरी में कराएं, जिनको कोई भी प्रदूषण विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे दोबारा से आगरा के उद्योगों को संजीवनी मिली है। इस तरह से प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी ने आगरा के उद्योगों के लिए कई कार्य किए और आगे भी वह कार्य करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 2019 का जो चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा, तब तक शहर की समस्याओं का समाधान एक तरफ होगा, दूसरी तरफ देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 से भी अधिक लोकसभा सदस्यों के साथ विजयी बना करके पुनः देश के यशस्वी और सबसे लोकप्रिय नेता को 2019 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने जो मन बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और एक न्यू इंडिया की दिशा में ये तेजी के साथ भारत आगे बढ़ेगा। गांव का बेटा ये होनहार, देश का सेवादार और जनता से करता प्यार, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। माता की।